वो था। अब आगे चलें, ये डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और ये हाउस विद डिज़ाइन और फाइनल क्रॉस सेक्शन। और उससे पहले क्या था, एक्सट्रैक्टिंग FRL फॉर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रिपेयरिंग क्या करना जी, रिक्वायर्ड डाटा फॉर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन बनाने से पहले आप अपने हाथ में जो है तो सारा डाटा रखें, जिससे जो है तो आप क्या करेंगे, फाइनल क्रॉस सेक्शन जो है तो जनरेट करेंगे। तो उसमें जो है तो ये पाँच छः चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है, एक्सट्रैक्टिंग FRL। कहाँ जाएंगे जी, सेक्शन S14। तो सबसे पहले क्योंकि क्रॉस सेक्शन के पास हमें क्वांटिटीज निकालनी होंगी और फाइनल जो है तो प्रिंट आउट निकालने होंगे, तो टेम्पलेट लगेगी। तो टेम्पलेट के लिए जो है तो फिनिश्ड रोड लेवल चाहिए जो कि प्रोफाइल में से निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे उसको, डिज़ाइन टूल हमारे पास जो है तो ये सेक्शन आल, ठीक है। सब सेक्शन को जो है तो सिलेक्ट कर लिया इसी डिज़ाइन एंड ट्यून के अंदर जहाँ पर भी हमने वॉल्यूम किया था। उसके बाद ये अगला ऑप्शन कौन सा है, एक्सट्रैक्ट FRL फॉर सिलेक्टेड सेक्शंस, ठीक है ना। जिन ये से मतलब जिनको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा, इन आरडीज के ऊपर जो है तो FRL की वैल्यूज़ हमें चाहिए। इसको मैं सेव करता हूँ, कहते हैं बॉर्डर पे क्लिक करें। बॉर्डर पे क्लिक किया, फाइल का नाम पूछ रहा है, कोई भी इसको जो है तो नाम दे दें, ठीक है ना। ABC ये जो है तो सेव होगी। तो इसमें हमें क्या दे दिया, इसका तो काम खत्म हो गया। ओपन सी में आएंगे और ये नहीं सेव की थी। सी में सेव की थी। हाँ, इधर डी में करते हैं, ठीक है ना जी। मसन गए तो ये जो है तो कोई भी जो है तो मैंने फाइल सेव कर दी। इसे खोलते हैं तो ये इसने क्या कर दिया, हमें जो यानी FRL लेवल है, FRL लेवल से इसने किसके लेवल निकाले हैं, इन लाइंस के, ये जो कि ये जो है ना डिज़ाइन VA की लेयर के अंदर जो हमारी अलाइनमेंट है ना इसके ना, और जो आर डीज यहाँ से आई हैं। तो एक तो जो है तो ये ऑप्शन है इसके अंदर। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने मसलन जो है तो एक्सेल के अंदर जो है तो आर्डिस लिखी हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, पीछे खुली है ना फाइल, इन आर्डिस के ऊपर निकालना चाहता हूँ। कनेक्ट एक्सेल, गेट लोड और ये जो है तो सेव आर्डी, इस पर क्लिक किया, ठीक है ना, जनरेट और सेव। तो ये जो है तो आ गए, जिन आर्डीज को हमने सिलेक्ट किया था। तो इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर सेक्शन नहीं है इस ड्राइंग के अंदर, मौजूद नहीं है, कहीं और हैं, ठीक है। अब 10-12 हज़ार का सेक्शन है तो वो लाजमी बात है इस ड्राइंग के अंदर तो हम नहीं रखेंगे, उनको अलग रखेंगे। तो उनकी आर्डीज जो हैं तो हम इधर जो हैं ले आएंगे, ये एक्सेल से जो हैं तो इसकी वो कर लेंगे। तो इस टॉपिक में क्या था कि एक्सट्रैक्टिंग FRL फॉर क्रॉस सेक्शन। बंदा इधर के ताले लगे, ठीक है ना जी। ये इसका एड्रेस दिया और ये जो है तो CSV फाइल जो है तो सेव हो गई। तो पहले भी ये कहा था कि इस प्रोजेक्ट यानी किसी भी प्रोजेक्ट की जितनी भी ये फाइलें बनती हैं इन सबको एक ही हम वर्कबुक के अंदर रखें। तो ये CSV फाइलें बनती रहेंगी और इनको जो है तो उठा उठा के अपनी वर्कबुक के अंदर जो है तो डालते रहें। पार्क हो रहा होगा, चले। अच्छा जी,